लालकुआं विधानसभा क्षेत्र चौरगलिया में जिला पंचायत की रसीद काटने को लेकर हुए विवाद में दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चौरगलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई है और एक युवक के हाथ में गोली भी लगी है। चौरगलिया क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों को लेकर जिला पंचायत की रसीद काटने का विवाद चल रहा है। पूर्व में भी यह विवाद हुआ था, आज मामला इतना बढ़ गया कि दिन दहाड़े गोलियां चल गईं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हसन निवासी सितारगंज के हाथ में इस दौरान गोली लगी है और इस विवाद के चलते कई राउंड फायरिंग भी हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही चौरगलिया थाना इंचार्ज संजय जोशी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। संजय जोशी का कहना है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कैसे आपके हाथ में गोली लगी, क्या मामला? अभी यहाँ पर्ची काट रहे थे, बाकी ये भाई साहब भी थे साथ में ही, आ जाओ बेटा। और उसने क्या, अभी पर्ची यहाँ पे क्यों काट रहे हो, आगे चल के काटो, वहाँ जहाँ आपकी वहाँ पे, तो धक्का धुक्का देने लगे और इतने में रिवॉल्वर निकाल के सीधे फैर चला दिए। हम लोग भागे, मतलब दसियों लोग बच गए साहब गोली लगने से। मेरे हाथ में अवैध हथियार थे या लाइसेंसी बंदूक? अब ये साहब मैं नहीं देख पाया, अवैध हथियार है लेकिन है, देखे हैं लोगों ने, वो इंदर भाई है, उन्होंने देखा है कौन कौन से रिवॉल्वर थे उनके पास। क्या नाम है? अब नाम मालूम है क्या आपको? नहीं, नाम साहब नहीं जानते हम, लेकिन पहचान लेंगे। पहचान लोगे? जी जी। और भी किसी के चोट आई है? नहीं, चोट नहीं आई साहब किसी की, बच गए साहब। ट्रेसिंग कर लो वहाँ।